अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सेम दिन सेम टाइम 7:45 हम जा रहे हैं कहाँ? मक्का। क्या करने? उम्रा अदा करने। और माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे बच्चे को लंबी सेहत तंदुरुस्ती दे। पहली दफ़ा मेरा बच्चा इहराम में और इसको देख के मैं इतनी खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा बच्चा मेरी हाइट से अबव और पहली दफ़ा अपने होश में, अपनी एज में माशाल्लाह जो इसको समझ है, इहराम पहन रहा है, क्योंकि पिछले जो 3 साल का गैप आ गया है हमारे। और मेरी आयजा बहुत एक्साइटेड है उम्रा करने के लिए। अब माशाल्लाह इसको समझ है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अलीशा जो खैर से पूरा उम्रा अदा करेंगे, मेरे तीनों बच्चे हैं, नफल उम्रा अदा कर लिए हैं, नियत हमारी हो गई है, डन। पापा गए हुए हैं बाहर टैक्सी, क्योंकि हम जा रहे हैं टैक्सी पे, और क्योंकि गाड़ियों के बहुत सारे मसले, मज़ीद बातें करूंगी रास्ते में। हम अभी निकलते हैं, टाइम नहीं है। अम्मी माशाल्लाह मेरे अब्दुल्ला को देखें, फर्स्ट टाइम मेरा अम्मी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अब्दुल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हाँ देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, चले फिर। आज मम्मा, आज पापा ने गाड़ी रोक ली है, नहीं चला। फिर मम्मा सफ़र हमारा खैर से शुरू हो गया है, और ये जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको उतार के रख दूँ स्पेशली गोल्ड के लॉकेट के लॉस के बाद, मुझे था कि ईद के दिनों में मैं जितना मार्केट में घूमूंगी और स्पेशली हरम जाते हुए भी इसको उतार के रख के जाऊंगी, क्योंकि लॉकेट का लॉस थोड़ा छोटा था, मुझसे बर्दाश्त हो गया, लेकिन इसका लॉस शायद मुझे बहुत बड़ा सदमा दे जाता। तो गाड़ी में जैसे ही मेरा ध्यान इस पर गया तो मैंने उसी टाइम अलीशा से कहा कि ये मेरी ब्रेसलेट काट के उतार दो, क्योंकि इसका धागा भी काफ़ी पुराना हो चुका था, तो हाफ ये घिस चुका था, तो इसलिए मैंने ना इसे उतरवा के फ़ौरन बैग में रख लिया। और ये जी सीज़र हमारे पास इसलिए है क्योंकि उम्रा करने के बाद हम जो अपने बाल काटेंगे खैर से। और ये देखिए मेरी ब्रेसलेट उतर चुकी है और अपनी तरफ से मैंने इसको कर लिया महफूज, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, जब तक इसका साथ है तब तक ये मेरे पास है। चलें फिर खैर से संभालते हैं दोनों चीज़ें और अल्लाह करते हैं और अपने सफ़र के लिए दुआएँ करते हैं। जद्दा और बाहर से आने वालों को ये भी बताती चलूँ कि जो उम्रा परमिट है वो चेक पॉइंट पर बड़ी सख्ती से चेक किया जा रहा है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं और हरम पाक के मीनारों पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, इसलिए मेरी हमेशा दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ, रब बना तई ना फिर दुनिया हसनत हुआ फिल आखिरत भी हसनत आखिर आज़ाब अन्नार वादखिलना जन्नत माल अब्रार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देखें, और ये सब हमारी आसानियों के लिए है। खैर से तरावियाँ हो रही हैं तो हमारी कोशिश है कि फटाफट भाग के तरावियाँ पढ़ ली जाएँ, फिर इंशाल्लाह जो हमारा परमिट है 10 बजे तक अंदर जाने का, तो हम 10 बजे अंदर भी इंटर करेंगे। सुभान अल्लाह, हम पहुंच गए हैं। टाइम काफ़ी लग गया क्योंकि इन्होंने जो रास्ते बनाए हुए हैं वो काफ़ी घुमा के आपको अंदर लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे थक चुके थे, और इन्होंने इसी वजह से माशाल्लाह आबे जमजम इतना सीर हो के रज रज के पिया कि दिल खुश हो गया। और इसके बाद हमने किया अपना तवाफ़ स्टार्ट, क्योंकि ये 1 मिनट भी कहीं नहीं रुकने देते। I need।
की हर बात का। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सफ़ा पहाड़ी के मकाम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ करेंगे हम अपने उम्रे का एक और रुकन अदा। उससे पहले कराती हूँ बच्चों को इसकी ज़्यारत, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, एक सेकंड के लिए भी यहाँ रुकने नहीं देते। तो ये देखें, ये जो गिलास बाउंड्री यहाँ लगी हुई, ये पहले यहाँ नहीं थी, ये ओपन एरिया था। इस पहाड़ी पे आप चढ़ जाते थे, नफल पढ़ते थे, लेकिन फिर एक दफ़ा लग चुकी है यहाँ पे सिक्योरिटी। और ये देखें, इस पर हल्का सा केमिकल डाल दिया गया है, शाइनी शाइनी सी ये पहाड़ी नज़र आ रही है, और ये केमिकल डाला गया है इसलिए कि इसकी डस्ट ना उड़ती रहे। मतलब ये मेरा थर्ड टाइम है इधर आने का। पहले मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम मम्मा ने नमाज पढ़ी थी, फिर मम्मा ने हमारी कुरान पढ़ते हुए पिक ली, अब हम चल रहे हैं। सफ़ा मरवा में डिस्टेंस बहुत है, लेकिन अभी तो पहले हमने सफ़ा किया, अब हम मरवा में हैं, तो इंशाल्लाह अभी तो सेकंड राउंड है, तो हमें सेवन राउंड करने हैं और इंशाल्लाह वो भी मैं कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बहुत खुश हूँ, पहले तो मैं छोटी थी तो बैठ जाती थी, लेकिन आज मैं पूरा उम्रा कर रही हूँ, मैं खुद चल रही हूँ और थकी अभी भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों ही लगे हुए हैं बाज, आप नहीं थकी? किसने रेस्ट मांगा? आपने रेस्ट मांगा? मैंने ब्रेक का बोला था, मैंने बोला था, लेकिन मैं आगे चला गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा हमारा हुआ कंप्लीट, और हमारा लास्ट और सातवां चक्कर कंप्लीट होता है जी मरवा पहाड़ी पे, इसलिए यहाँ की भी करते हैं अब ज़्यारत। बच्चों को ये दिखाया, ये छोटा सा पीस रह गया है यहाँ पे इस पहाड़ी का, वरना इससे पहले ये पूरा यहाँ पे इसी तरह का पोर्शन होता था। ये पोर्शन हमने देखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन ऐसे पहाड़ी होती थी जो कि अब ख़त्म कर दी गई है, और थोड़ी सी ज़्यारत के लिए ये देखें यहाँ रखा गया है ये पीस बाकी, और इस पे भी शाइन डाल दी गई है केमिकल की, ताकि इसकी भी डस्ट ना उड़े। एक मिनट के लिए कहीं रुकने बैठने नहीं दे रहे, हज्जा शोया गोदाम, हज्जा शोया गोदाम, गोदाम करते हमें हरम से ही बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ करते हैं, और हमें बाहर का रास्ता दे रहे हैं ये लोग। चलिए हमारा उम्रा हुआ कम्प्लीट, मबरूक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उम्रा हुआ कम्प्लीट, बाल भी गए हैं कट। खाने को दे दे। क्या खाना है? जो दिल चाहे मांग ले, मिलेगा वही जो बाहर अवेलेबल होगा इस टाइम।
जो सबसे पहले मिला ये पानी है हब्स को और गर्मी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि हल्की हल्की सी ठंडक है। माशाल्लाह लोगों का रश भी तो इतना है ना, वो हब्स हो जाती है। वन थर्टी होने वाले हैं खैर से, और बच्चों के लिए मिला है हमें KFC। अब्दुल्ला लाइन में लग चुका है, ये यहाँ से लेते हैं और इसी क्लॉक टावर के थर्ड फ्लोर पे स्पेस दी हुई है इन्होंने जी, बैठ के खाने के लिए जगह है। चलते हैं फिर देखते हैं अगर हमें मिल गई तो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उमरा हो गया है, हरम से बाहर आ गए हैं और बच्चों ने खाना भी खा लिया है। अब हम वेट कर रहे हैं जी गाड़ी का। गाड़ियाँ यहाँ पे जितनी थी वो सारी फुल थी, उनके अंदर जी गुंजाइश थी 1 से 2 मेंबर की, लेकिन हमें चाहिए 5 सीटें। तो अब इतनी बड़ी गुंजाइश के लिए थोड़ा करना पड़ेगा वेट। तो हम यहाँ बैठे हैं गाड़ी की वेट में और मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। और आप लोगों की सबकी दुआओं में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह थक जरूर गए हैं लेकिन बहुत इंजॉय किए इन्होंने। मैं तो नहीं थकी अभी तक। हाँ जी, और हमारी ये दुआ है कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन सुमामीन। हमें यह मज़ीद थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा लेकिन वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और आप भी इधर आया जाएगा, अल्लाह का घर भी देखे, बहुत कुछ है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह देखे।